press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from TechBuzz. हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, टेक बस में सभी का स्वागत है। मैं हूं मेरे, तो आज हम यहां पे बात करने वाले हैं, अगर आपने वीडियो का नाम देख लिया है तो यस, आज हम रिव्यू करने वाले हैं नेता एप्लीकेशन को। तो दरअसल ये एप्लीकेशन है क्या, तो थोड़ा सा हम अलग से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग की बात ये है कि जब आप छोटे थे तब आपका रिपोर्ट कार्ड आता था इम्तिहान के, जो आप जो एग्ज़ाम देते थे उसके रिपोर्ट कार्ड, और आप वो देख के मतलब हाँ अभी मम्मी डैडी को कुछ बताना पड़ेगा, यस अभी मैं नेक्स्ट टाइम और पढ़ाई करूँगा और अच्छे मार्क्स लाऊँगा। सो इस रिपोर्ट कार्ड की वजह से हम अपना पढ़ाई सुधारते थे, मैंने सुधरता था बट बोलना चाहिए, हाँ तो हम अपना पढ़ाई सुधारते थे। आगे जाके स्टाफ का रिपोर्ट कार्ड आता है, जहाँ पे स्टाफ कैसे काम करता है वो सब आता है, उसमें रिमार्क्स वगैरह रहता है, तो स्टाफ भी उस तरह से अच्छे काम शुरू कर देता है। वैसे ही अगर नेक्स्ट लेवल थिंकिंग, ये जो प्रथम साहब है उन्होंने थिंकिंग की है, जो इस एप्लीकेशन के कर्ता धर्ता आइडिया ओनर है, उन्होंने एप्लीकेशन निकाला नेताओं का रिपोर्ट कार्ड। यस, नेताओं का रिपोर्ट कार्ड, मतलब देखिए ना, कुछ अलग हटके लेवल की एप्लीकेशन है। मानो कि अगर हम जो वोटर्स है, उस एप्लीकेशन का एकदम फर्स्ट क्लास फीचर है कि हम 5 days में, मतलब 5 दिन के बाद अपने जो भी एरिया में जो भी MLA या फिर MP वगैरह रहते हैं उनको अगर हम रिव्यू करेंगे कि हाँ काम अच्छा किया, इस बीच में काम बुरा किया, ये अच्छा किया वो बुरा किया, तो उसका इम्पैक्ट उन पर भी गिरेगा, एंड प्लस वहाँ पर आप वोट भी कर सकते। तो क्या है ये एप्लीकेशन, ज़रा ज़्यादा नहीं बता दिया बट लेट्स स्टार्ट। तो आपको डाउनलोड करना है नेता एप्लीकेशन, जिसका फुल फॉर्म कुछ अलग है, मतलब नेता मतलब वो वाला नेता नहीं, वहां पे इसका फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रल ट्रांसफॉर्मेशन, और इनका एप्लीकेशन ही रहेगा। सो नेता इस तरीके से ये बनता है, और ये जो एप्लीकेशन है ये बेसिकली हर एक प्लेटफॉर्म पे है, मतलब एंड्रॉयड भी और iOS भी। वाव, विंडोज फोन वाले यूजर्स बने, तो आप ये एंड्रॉयड और iOS दोनों पे आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन की जो शुरुआत है वो हुई थी राजस्थान में, राजस्थान में जब अजमेर के जो इलेक्शंस चालू थे तब वहाँ पे ये बेसिकली एक बेटा एप्लीकेशन के तौर पे ये चालू कर दिया गया था, और बाद में इसका यूज़ किया गया था कर्नाटका में, और उसके बाद इसकी जो पॉपुलैरिटी है काफ़ी बढ़ चुकी है, 1.5 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं, प्लस अभी ये एप्लीकेशन मतलब पूरे इंडिया में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इनका जो भी डेटाबेस है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब आप अगर किसी भी छोटे गाँव में भी रहते हैं तो अभी वो आपका लोकेशन आइडेंटिफाई करेगा GPS के थ्रू, और आपको दिखाई देगा कि आपके एरिया में कौन है MP, कौन है MLA आपका, फिर आप चीफ मिनिस्टर को भी रिव्यू कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर तक आप रिव्यू कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि यार ये एप्लीकेशन कहीं मतलब एक हाथ पार्टी को के फेवर में जाता है, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये एप्लीकेशन किसी भी पार्टी के फेवर में नहीं जाता, ये बिकॉज ये एप्लीकेशन लॉन्च ही है, मतलब एक बोलते हैं ना यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म के तहत लॉन्च हुआ है, जिसका उद्घाटन के समय आपके भी नेता थे, BJP के भी थे और कांग्रेस के भी थे, तो ये मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कि हाँ भाई ये अपना ही अपने, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, बिकॉज इसके जो रिव्यूअर्स हैं, जो भी उस पर मार्क्स देंगे, वोट देंगे, वो सब कौन है, हम वोटर्स जो वोट करते हैं उनका भविष्य ठहराते हैं अपने एक वोट से। सो ये बेसिकली एक वोटर्स का एप्लीकेशन है, ना कि उनका, ये उनके लिए बस उनका एक रिपोर्ट कार्ड है कि वो देख सकते हैं कि हाँ मैंने कितना काम किया कितना नहीं किया, और वोटर्स का काम यह है कि आप उनको रिव्यू कर सकते हैं। तो बेसिकली आप सोच रहे होंगे कि ये टेक चैनल पे आज मैं नेता एप्लीकेशन मतलब पॉलिटिक्स में क्यों घुस रहा हूँ, बिकॉज टेक्नोलॉजी हर जगह पे छाई हुई है, तो चाहे फिर वो अपना अब घर का जो गैस सिलेंडर वो हम ऑनलाइन मंगा सकते हैं डायरेक्टली वेबसाइट पे लॉगिन वगैरह करके, आधार कार्ड में तक टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो यार वोटिंग ये जो पूरा खेल रहता है अपना भविष्य का, उसमें तो एटलीस्ट टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। सो बेसिकली इसलिए ये नेता एप्लीकेशन का मैं रिव्यू कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके कुछ फीचर्स जानेंगे, बिकॉज जब मैंने ये एप्लीकेशन देखा तो मुझे लगा कि हाँ यार कोई भी फेक अकाउंट्स लगा के कुछ भी कर सकता है, लेकिन नहीं, इसका जो भी डेटा वगैरह रहता है ये काफ़ी मतलब मिक्स टाइप का है, इसमें जो पूरा डेटाबेस रहता है मतलब किसने कैसा काम किया है कैसा काम किया है वो सब टोटल जो एनालिसिस है ये टोटली बेस्ड रहता है अपने वोटर्स का, जो एप्लीकेशन से हम करते हैं वोट
सेकेंड आईवीआर कॉल्स, जो आपका आईवीआर कॉल्स आते हैं बहुत टाइम उस पर जब डिपेंड होता है। थर्ड है एसएमएस की ओर, और फोर्थ है ऑफलाइन। यस, ये ऑफलाइन डेटा भी कलेक्ट करता है, और वो भी आंगनवाड़ी जैसे जो भी सेवाएं संस्थाएं जो काम करते हैं उनसे वो डेटा सब कलेक्ट करते हैं, और उसके हिसाब से आपको नेता एप्लीकेशन में दिखाई देता है। मतलब आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि इसका अभी डेटाबेस कितना स्ट्रांग है। तो ये बेसिकली काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशन है इसके मामले में, पूरे डेटाबेस के मामले में। प्लस अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो एप्लीकेशन है, आप स्क्रीन पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको इसमें अगर लॉगिन करना है तो आपको वहाँ पे सिंपली अपने मोबाइल नंबर से आप वहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। एंड ये ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे फेक अकाउंट बनाएंगे या फिर नाम कुछ उल्टा सुल्टा इंसर्ट करेंगे। ये एप्लीकेशन ट्रू कॉलर से भी अपने को आइडेंटिफाई करता है, मतलब ट्रू कॉलर का भी साथ लेता है जो इसके जो टीम मेंबर्स है वो। प्लस इसे जो मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन इस पर आगे जाके आधार कार्ड वगैरह सब आइडेंटिफाई होगा, मतलब कोई भी इस पर फेक आईडीज, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसा आईडी बना के चलो इसको पॉजिटिव करो नहीं कर सकता। तो बेसिकली इसी के वजह से ये एप्लीकेशन अपने आप में ही एक यूनिक चीज़ है। तो मुझे सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि यार ये एप्लीकेशन वैसा तो नहीं लगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है, मैंने यूज़ किया। प्लस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिखाई देता है पेंडिंग एक्शंस में कि यहाँ पे वोट फॉर जनरल इलेक्शन, रेट योर प्राइम मिनिस्टर, वोट फॉर महाराष्ट्र इलेक्शन, रेट योर चीफ मिनिस्टर, मतलब ये हर एक मतलब अगर आप महाराष्ट्र के हैं तो आपको वो टोटली दिखाएंगे कि आपके इलेक्शन को टाइम कितना है। मतलब बहुत से लोग रहते हैं भुलक्कड़ जैसे जो वोट भी नहीं करते, तो उनके लिए एप्लीकेशन खास बनाया गया है कि यार चलो वोट करने का समय आ चुका है। तो ये एप्लीकेशन को एक अलग ही यूनिक लेवल पे है। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने कितने वोट्स दिए हैं, सीट्स कितने हैं, टोटल इनका वोट शेयर कितना है लास्ट 25 आवर्स में। हाँ ये बात है, यहाँ पे अलग अलग 7 डेज में कौन यहाँ पे आगे था, 7 डेज में कौन पीछे था, कौन सी पार्टी, ये सब आप इसमें देख सकते हैं। प्लस यहाँ पे जो आप अगर सेक्शन में जाएंगे टॉप एमपी वगैरह के कलेक्शन में, तो आपको पता नहीं होगा अगर वहाँ पे आपको जो भी आपके एरिया में एमपी या फिर एमएलए है, और अगर वो पॉपुलर है, काम अच्छा नहीं कर रहे, या फिर वो काम ही नहीं करते, कोई भी किसी भी पार्टी का काम ही नहीं करते, तो आप खुद भी ट्रायल ले सकते हैं कि हाँ चलो मैं भी खड़ा रहता हूँ इस इलेक्शन में, और आप वहाँ पे अपने आप को लिसनिंग जो कहते हैं मतलब फीचर करना, वो भी आप कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि अपने एरिया में आपको कितने वोट्स देंगे। एंड प्लस ये जो एप्लीकेशन है ये वो पार्टी के लोग भी देखते हैं, तो उनको भी पता चलेगा कि यस उनके पार्टी में कौन सा जो नेता वगैरह जो ज़्यादा फेमस है। सो ये जो एप्लीकेशन है हेल्पफुल है वोटर्स के लिए भी, और पार्टी के लिए भी, और नेताओं के लिए भी, बिकॉज नेताओं को भी पता चलेगा कि आपका जो वोटर है वो खुश है या नहीं है आपके काम से। सो बेसिकली ये जो नेता एप्लीकेशन है ये काफ़ी मतलब ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही बनाया गया, नो, ये एक काफ़ी मतलब एक बड़ी रिसर्च से बनाया गया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्टार सिटीजन्स, मतलब अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलरली आप व्यूअर्स करेंगे तो आपको स्कोर मिलता है, और आप स्टार सिटीजन्स भी बन सकते हैं, जैसे कि नेशनल, महाराष्ट्र, और आपके एरिया में कौन है नेशनल मतलब एक पॉपुलर स्टार सिटीजन, वो भी आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप अपनी खुद की एक प्रोफाइल बना सकते हैं, जैसे कि एज वगैरह सब, आप टोटल या क्या क्या सीखे हो, आपकी वेबसाइट वगैरह, ये सब आप इंफॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं, ताकि इससे होता क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस एप्लीकेशन के प्रोज और कॉन्स पे अभी आप नज़र करेंगे। तो इसके मैं सबसे पहले प्रोज दिखाना चाहता हूँ। प्रोज ये है, सबसे पहला प्रोज कि एक जो आम वोटर्स है वोट करने के बाद 5 साल शांत रहता है, मतलब जो हमारे जो सीएम सुन रहे काम कर नेक्स्ट 5 साल में वोट देंगे, नो, यहाँ पे आप हर 5 साल के अंदर हर 5 दिन के बाद आप वोट कर सकते हैं, और आप रिव्यू कर सकते हैं उस नेता को, उसने कैसा काम किया उतने दिनों में, और इस हिसाब से उनका जो पॉपुलैरिटी है या फिर वोटिंग है या फिर रेटिंग, बिकॉज यहाँ पे जो नेताओं का रेटिंग यहाँ पे होता है। यस, जैसे आप मूवी को 5 आउट ऑफ 5 स्टार नहीं देख सकते, 4, 3, 2 और कई कई क्रिटिक तो 1.5 स्टार भी देते थे, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली
कर सकते हैं, यहाँ पे रेटिंग दे सकते हैं, और जो भी नेता और लोग होते हैं वो भी वो रेटिंग देकर आ रहे हैं। काम तो करना पड़ेगा, तो काम भी कर लेंगे। तो ये है वोटर्स की ताकत, और यहाँ पे आप चुप नहीं बैठ सकते, आप यहाँ पे वोट कर सकते हैं, प्लस आप यहाँ पे वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड कर सकते हैं वोट करने के बाद कि आपने ये वोट क्यों किया, क्यों नहीं दिया। पहले इसमें एक फीचर नहीं था जो था कमेंट्स का, लेकिन आप यहाँ पे अभी कमेंट्स भी कर सकते हैं। अगर आपको मतलब कैमरा शाय हो तो नेक्स्ट स्किप करके आप वहाँ पे डायरेक्टली कमेंट भी कर सकते हैं। सो आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि आपने ऐसा वोट क्यों किया, आपका रीज़न, आपने अच्छे वोट क्यों किए, क्या क्या काम किया, वो सब आप वहाँ पे डिटेलिंग में कह सकते हैं। ये इसके खासियत है और ये सबमिशन के प्रोसेस। सेकेंड है, इसमें आप मतलब डुप्लीकेशन या फिर ऐसे ही फेक प्रोफाइल्स क्रिएट करने का नहीं हो सकता, बिकॉज ये एप्लीकेशन हमेशा जो इसके जो डेवलपर्स है वो इसके इसको मद्देनजर रखते हुए वहाँ पे देखते हैं, एनालाइज करते हैं कोई फेक है या नहीं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिससे मैंने पहले ही बताया ट्रू कॉलर सब यूनिक आइडेंटिफिकेशन मेथड से। एंड नेक्स्ट का प्रोस ये है कि इसकी मदद से कुछ ना कुछ तो चेंज ज़रूर आएगा, बिकॉज अभी इलेक्शन तो आ रहे हैं, तो आप इसका एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं जो बेस्ट एप्लीकेशन है। अभी देखते हैं इसके कॉन्स के बारे में। तो कॉन्स इसका ये है कि अगर आप देखेंगे तो हम वोटर हैं, हम यहाँ पर रिव्यू ज़रूर करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो डायरेक्टली कैसे भी करके वोट 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 या फिर वोट ही नहीं देंगे, ऐसा भी कुछ रहेगा। तो इस पे अगर एप्लीकेशन थोड़ा सा काम किया जाए, जैसे कि पॉपअप मैसेज देना कि यस आपको वोट करना है, ऐसा अगर आप नोटिफिकेशन भेजना शुरू कर देंगे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। ये छोटा सा कौन सा और ज़्यादा कुछ नहीं, बस एप्लीकेशन को ऐसा ही डेवलप करते रहे और उस इस एप्लीकेशन को उन सारी जगहों पे पहुंचाने का काम किसका है, हम सारे यूट्यूबर्स का। सो नेता एप्लीकेशन का हम वेलकम करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए इस वीडियो को। शेयर इसलिए बिकॉज नेता एप्लीकेशन का इन्फॉर्मेशन सबको पता चलना चाहिए कि क्या है ये नेता एप्लीकेशन और इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉल ट्रांसफॉर्मेशन एप्लीकेशन, नेता एप्लीकेशन, नेताओं का रिपोर्ट कार्ड। तो यार ये एप्लीकेशन इसको फैलाओ, डाउनलोड करो, प्ले स्टोर पे नीचे नए नए लिंक दी है प्ले स्टोर iOS की, अगर आप जो भी हैंडसेट यूज़ करते हैं वहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिए, OTP से लॉगिन कर लीजिए और फिर आप वोट करना शुरू कर दीजिए अपने अपने एरिया के लिए। तो बाय फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नए साल में नया एप्लीकेशन नेता एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपने फिर से डाउनलोड कर लिया है, ऑलरेडी यूज़र है, तो आप मुझे बताइए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, आपको कैसा ये एप्लीकेशन लगा। बाय फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, टिल देन लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब टू टेक बस एक्टिव सर्विस। तो बाय फ्रेंड्स, जय हिंद, जय महाराष्ट्र एंड पीस आउट। कभी सोचा है, जैसे बच्चों का रिपोर्ट कार्ड होता है वैसे हमारे नेताओं का भी रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं होता? किसने कैसा काम किया भी कि नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन अब नेता ऐप पर बनेगा हर लीडर का रिपोर्ट कार्ड। पहले तो अपने मनपसंद MP या MLA उम्मीदवार को अपना वोट देकर अपना समर्थन दिखाएं, फिर उनके काम को देखते हुए उन्हें हर हफ्ते 5 में से नंबर देकर पास या फेल कराएं। फिर देखिए जनता ने किसको कितने नंबर दिए, किसने किया टॉप और कौन हुआ फेल। ये रेटिंग देख पार्टी बेहतर उम्मीदवारों को टिकट देगी, और वोटिंग वाले दिन आप भी बेहतर रेटिंग वाले नेता को वोट दे सकते हैं। और तो और, रेटिंग गिरने के डर से नेताओं को काम करना ही पड़ेगा, वो भी हर रोज, ना कि सिर्फ इलेक्शन के दौरान। अभी डाउनलोड कीजिए नेता ऐप और बनाइए नेताओं का रिपोर्ट कार्ड।